अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स जी। मेरे पास एक स्पीकर था ओल्ड मॉडल का, फिलिप्स कंपनी का। तो ये एक्चुअली कंप्यूटर में लगता था, तो मैंने सोचा इसको कुछ नया बनाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्लूटूथ स्पीकर बना दिया। मैंने एक कॉर्ड लाया, इस तरह से मैंने इसको यहाँ से लगा दिया। अब ये ब्लूटूथ स्पीकर बन गया है। तो इसके लिए मुझे इसके कुछ पार्ट्स लाने पड़े, तो वो मेरे पास दुकान पे ही थे। तो ये देखिए, मैं आपको क्या क्या लाना पड़ता है ये देखिए गाइस। सबसे पहले मैंने ये बाज़ार से लाया ये कॉर्ड। तो ये कॉर्ड तो मैंने लाया, अब जो उसका वॉल्यूम के लिए, जो वॉल्यूम जिसमें बनता है ऑडियो बोर्ड, तो मैंने सोचा वो कौन सा लगाया इसको। तो मैंने सोचा इसको तो ऑडियो बोर्ड लगाना है, क्योंकि तभी ये काम करेगा, ऑडियो निकलेगा। क्योंकि इसमें ऑडियो नहीं होता, इसमें कम ऑडियो होता है। जो स्पीकर में चलेगा आवाज़ देगा, आवाज़ बढ़ेगी। तो वो मैंने सोचा। तो मेरे पास एक पुराना एक रेडियो था, वो भी पुराना रेडियो था, एक पुराने ज़माने का एक रेडियो था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका बोर्ड निकाला तो इसमें फ़िक्स कर दिया। ये देखिए, ये पुराना रेडियो का बोर्ड है। तो मैंने इसमें क्या किया, इस रेडियो से मैंने इसकी जो ऑडियो का ऑडियो सेक्शन है, उससे मैंने इसका ऑडियो लिया, ऑडियो उसका उठाया मैंने, जिससे ये वर्क करेगा, ये ब्लूटूथ जिससे वर्क करेगा। तो मैंने इसके खाली ऑडियो के कनेक्शन लिए हैं, तो इस पे मैंने ऑडियो जोड़ दिया और ये काम करेगा। अगर मोबाइल का चार्जर भी हो, अडाप्टर हो मोबाइल का, 4 वोल्ट 5 वोल्ट का अडाप्टर हो, ये उस पे काम करेगा। बैटरी भी हो 4 वोल्ट 5 6 वोल्ट तक, ये आराम से काम करेगा। तो मैंने ऑडियो इससे लिया, इसी पे से मैंने स्पीकर का कनेक्शन भी उठाया, इसी बोर्ड से जो इसमें ऑलरेडी थे स्पीकर के कनेक्शन, वो मैंने इससे उठाए। और उसमें एक वॉल्यूम स्विच भी लगा दिया यहाँ पर, ये देखिए ये वॉल्यूम स्विच, मैंने इसको यहाँ से एक छेद कर दिया, यहाँ से एक वॉल्यूम स्विच लगाया। और इस वॉल्यूम स्विच को मैंने ऑन ऑफ भी बना दिया, क्योंकि ये स्पीकर तो पड़ा था। मैंने सोचा इसको कुछ काम में लिया जाए, तो अपने काम में ही लिया जाए, क्योंकि घर पे क्यों पड़ा रखे, दुकान पे भी शॉप पे भी पड़ा था। तो मैंने सोचा इसको कुछ अच्छा नया मॉडल स्पीकर बनाएंगे जिससे ये अच्छा चलेगा। तो मैंने इसको ऑन ऑफ भी यहीं पर लगा दिया, और ये वॉल्यूम कंट्रोल भी करता है यही से। तो ये देखिए, मैंने इसको जोड़ा है, मैंने इसको अडाप्टर भी दिया है, यहाँ से 12 6 5 वोल्ट का अडाप्टर लगाया। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑन कर दिया मैंने, एक मैं इसे ऑन करूँगा अभी। सर्दी खांसी ये देखिए ये ऑन हो गए, ये देखिए FM ओके चलता है। मैंने इसको, ये देखिए मैंने इसको लाइट, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, मैंने इससे जोड़ दिया इसको। तो इसको हम एडाप्टर से भी लगा सकते हैं, घर में जो मोबाइल का चार्जर होता है उससे भी चला सकते हैं, या 5 वोल्ट का कोई भी, ये देखिए कैसे चलता है। अगर इसको ब्लूटूथ भी मोड करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन है, यहाँ से अगर इसको मोबाइल जोड़ेंगे या ब्लूटूथ से, ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लूटूथ है। कोई भी स्पीकर हो चाहे मोबाइल हो, इससे ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, जो मोबाइल में गाना है वो उस पर सुन सकते हैं हम। और आसानी से इसमें FM भी चलता है। देखिए ये देखिए, ये देखिए इसकी वॉल्यूम मुल्क के लिए, देखिए एक लड़ाई और लड़नी है नशे के खिलाफ। आइए आप और हम मिलकर एक सेहतमंद मुस्तकबिल बनाएं। 10th बटालियन सशस्त्र सीमा बल बटमालूशी नगर मैंने बनाया है यहाँ दुकान पे। तो अगर आपके घर पे भी हो तो आप भी बना सकते हैं ऐसा स्पीकर, ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर, क्योंकि ये स्पीकर पड़ा रहता है घर पे। तो ऐसा स्पीकर आप भी बना सकते हैं, ऐसे बोर्ड जोड़ के, ऐसा बोर्ड लाएंगे आप भी। अगर ऐसा कोई पुराना रेडियो हो उसमें से ऑडियो निकालेंगे, ये बोर्ड चलाएंगे उसके से। शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। शुक्रिया।